मैं अमीर अहमद आज फिर आपके सामने एक एस्टिमेट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट पार्ट 14-15 लेकर के आज उपस्थित हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा स्टेप्स। ये आज मेरी ये तीसरी वीडियो है स्टेप्स में। मैं इससे पहले स्टेप की दो वीडियो और बना चुका हूँ। इसका एक क्वेश्चन इस तरीके से, एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स एज शोन इन फिगर। जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है उसके अनुसार इस स्टेप का निर्माण करना। तो देखिए, इसको एस्टिमेट करने के लिए हम सबसे पहले प्रारूप बनाते हैं। इस प्रारूप का नाम है बिल ऑफ क्वांटिटी डिटेल मेजरमेंट फॉर्म। तो इसमें हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ब्रिक वर्क, और यहाँ पर हमने लिखा ब्रिक वर्क 1:6 के रेशियो में निकालेंगे। तो इसमें आप देखेंगे इसमें स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4, चार स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप का ब्रिक वर्क निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप नंबर में लिखा हमने 1। यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा 1.5 मीटर लंबा स्टेप है, 100 सेंटीमीटर चौड़ा है और 15 सेंटीमीटर ऊँचा। लंबाई 150 मीटर और आपका ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और ये चूंकि अंदर तक पूरा बनेगा लिहाजा ये हमारा 100 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको लिखा 1.5 मीटर, 1 मीटर और 0.15 मीटर। तो इस तरीके से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.225। ये फर्स्ट स्टेप में ब्रिक वर्क आ गया। सिमिलरली सेकंड स्टेप देखेंगे तो सेकंड स्टेप भी 150 मीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर ऊंचा, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है 75 है। इसकी चौड़ाई थी हमारी 100, ये 25 सेंटीमीटर पीछे की तरफ बनेगा और लिहाजा इसकी चौड़ाई होगी 75 और 150 इसकी लंबाई। लिहाजा सेकंड स्टेप 1 नंबर 1.5 मीटर चौड़ाई, 1.5 मीटर लंबाई, 0.75 मीटर चौड़ाई और 0.15 इसकी ऊंचाई। तो ये 0.168 ये हो गया हमारा ब्रिक वर्क। थर्ड स्टेप अगर आप देखेंगे तो थर्ड स्टेप की लंबाई भी 150 है लेकिन चौड़ाई इसकी 50 है और इसकी ऊंचाई 15 है। लिहाजा थर्ड स्टेप में हमने लिखा 1 नंबर 1.5 मीटर लंबाई, 0.5 मीटर चौड़ाई और 0.15 मीटर ऊंचाई। तो इस तरीके से 0.1125 क्यूबिक मीटर आ गया। ये थर्ड स्टेप का ब्रिक वर्क। अब हमारा चौथा स्टेप रह जाता है। चौथा स्टेप की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 0.15 मीटर। लिहाजा चौथे स्टेप के लिए हमने लिखा 1 मीटर, 1.5 मीटर, 0.25, 0.15, तो 0.056। और इन चारों को जब हमने सम किया तो सम करने के बाद हमारे पास 0.5615 मीटर क्यूब टोटल ब्रिक वर्क आ गया इन चारों स्टेप। देखिए फिर समझिए, ये चार स्टेप का एक चार स्टेप हैं इसके अंदर, और इसकी जो टोटल लंबाई है स्टेप की 150 है प्रत्येक स्टेप की लंबाई, लेकिन इसकी जो चौड़ाइयाँ हैं वो कम होती चली जा रही हैं पीछे को। पहले की 1 मीटर है, दूसरे की 75, तीसरे की 50 और चौथे की 25, जबकि इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और जो इसका ट्रेड है वो 25 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक स्टेप 25 सेंटीमीटर पीछे यानी हटता चला जा रहा है। इस तरीके से इसकी चौड़ाई प्रत्येक स्टेप पर कम हो रही है। पहले के लिए लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, दूसरे के लिए 1.5 मीटर लंबाई, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए 1.5 मीटर लंबाई, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और चौथे के लिए 1.5 मीटर लंबाई और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक एक करके हमने चारों स्टेप का ब्रिक वर्क निकाल लिया और चारों को सम कर दिया, और सम करने के बाद जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आई 0.5615 मीटर की। ये हमने इस तरीके से निर्माण कर लिया, इसका ब्रिक वर्क कर लिया। अब हमें इसके ऊपर दूसरा आइटम है प्लास्टर करना। तो हमने लिखा सीमेंट प्लास्टर 1:4 का हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे हॉरिजॉन्टल पार्ट कितने हैं। तो देखिए, ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और ये हमारे हॉरिजॉन्टल पार्ट जो हैं ये हमारे चार हैं,
एक इसके नीचे है, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे। लिहाजा हॉरिजॉन्टल पार्ट में हमने चार लिखा और लंबाई 1.5 मीटर और इसकी जो हमारी चौड़ाई है 0.25 मीटर, ये 0.25 मीटर, ये 0.25 मीटर, ये 0.25। तो अभी हम पहले में प्लास्टर कर रहे हैं, तो पहले प्लास्टर करने के लिए हमारे पास चार ट्रेड हैं, 1, 2, 3, 4, और इन सब की लंबाई 1.5 मीटर और इनकी चौड़ाई 0.25 मीटर प्रत्येक की और ऊंचाई इसमें कुछ नहीं आएगी, लिहाजा इसकी जो टोटल प्लास्टर आ जाएगा 1.50 मीटर स्क्वायर। देखिए चार ट्रेड हैं, 25 का ये, 25 का ये, 25 का ये, 25 का ये, तो संख्या में हमने चार लिखा और प्रत्येक की लंबाई चूंकि 1.5 मीटर है लिहाजा 1.5 मीटर लिखा और 0.25 इसकी जो है चौड़ाई है और इसमें ऊंचाई कुछ नहीं आएगी ट्रेड में, 1.5 मीटर स्क्वायर इसका प्लास्टर आ गया। सिमिलरली वर्टिकल पार्ट जो है इसके, देखिए ये भी चार हैं, 1, 2, 3, 4 वर्टिकल पार्ट चार हैं और इनकी टोटल लंबाई 150 है, इसकी चौड़ाई कुछ नहीं होगी जबकि उसकी ऊंचाई 0.15। तो चारों को हमने एक साथ लिख लिया, चार नंबर हैं इसके वर्टिकल पार्ट के, 1.5 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कुछ नहीं है और ऊंचाई 0.15 है, तो टोटल 0.900 मीटर स्क्वायर इसका आ गया प्लास्टर। अब इसकी साइड्स हैं, तो साइड्स में देखेंगे आप, एक साइड इसकी ये है, एक उस तरफ होगी, लिहाजा 100 मीटर लंबी जो साइडें होंगी वो दो होंगी, लिहाजा साइड का मैं लिखा हमने 2 सबसे नीचे वाली साइड और 100 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई कुछ नहीं होगी और 0.15 ऊंचाई है, तो 0.300 मीटर इसका जो आ गया प्लास्टर है। सिमिलरली दूसरी साइड जो होगी हमारी ये वाली, ये 75 की है, ये 100 की थी, ये 75 की है, तो ये भी 2 साइडें होंगी, लिहाजा 2 साइड है, 75 लंबाई, चौड़ाई कुछ नहीं और 0.15 इनकी ऊंचाई, तो 0.225 मीटर स्क्वायर इसका आ गया प्लास्टर। सिमिलरली हमारा अब आ गया तीसरी साइड, तीसरी साइड हमारी 50 की है, ये देखिए ये 50 की, तीसरी साइड 50 की है और ये 2 है, एक इस तरफ होगी, एक उस तरफ होगी, लिहाजा 2 नंबर 50 सेंटीमीटर लंबी, 0.15 ऊंचाई, तो 0.150 मीटर स्क्वायर इसका आ गया प्लास्टर। सिमिलरली चौथी साइड जो है वो हमारी 2 है लेकिन इनकी लंबाई है 25, एक इस तरफ होगी, एक उस तरफ होगी, लिहाजा 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर लंबाई, चौड़ाई कुछ नहीं और 0.0075 जो है इसकी 0.15 इसकी ऊंचाई हो जाएगी, 0.075 मीटर स्क्वायर इसका 0.15 ऊंचाई, तो ये आ गया इसका प्लास्टर चौथी साइड का। अब हमने देखिए एक एक करके हमने प्लास्टर और पहले निकाला ट्रेड में, यानी हॉरिजॉन्टल पार्ट इसका 1, 2, 3, 4 समझ लीजिए अच्छी तरीके से, हॉरिजॉन्टल पार्ट यानी ट्रेड जिस पर हमारे पैर लगते हैं, तो ये हमारा है चार, तो संख्या में हमने लिखा इसमें चार और लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई प्रत्येक की 25-25 है, लिहाजा हमने यहाँ पर चार लिखा और लंबाई में 1.5 मीटर लिखा और 0.25 चौड़ाई लिखी और इसका हमने जो है स्क्वायर मीटर में प्लास्टर लिखा। सिमिलरली वर्टिकल पार्ट यानी राइजर 1, 2, 3, 4 ये भी चार हैं, लिहाजा नंबर में चार लिखा और लंबाई आप देख रहे हैं 150 है और चौड़ाई इसकी कुछ नहीं है जबकि ऊंचाई 0.15 है और ये चार हैं 1, 2, 3, 4 लिहाजा हमने चार लिख करके 1.5 मीटर लंबाई और 0.15 मीटर ऊंचाई, तो हमने इसका 0.900 मीटर स्क्वायर जो है प्लास्टर वर्क निकाली। अब साइड इसकी 1, 2, 3, 4 हमने इनको चारों को अलग अलग कर लिया, अलग अलग इसलिए किया कि चारों अलग अलग साइज की हैं, एक साथ नहीं निकाल सकते, लिहाजा हमने ये पहली वाली 1 मीटर, दूसरी वाली 75, तीसरी 50 और चौथी 25, लेकिन एक साइड इस तरफ होगी, एक साइड उस तरफ होगी, लिहाजा पहली साइड जो 2 नंबर में 2 है, लंबाई में 1 मीटर है और चौड़ाई इसकी कुछ नहीं और 0.15 ऊंचाई है, 0.300 मीटर स्क्वायर इसका प्लास्टर है। सिमिलरली दूसरी साइड जो 75 सेंटीमीटर लंबी है वो भी 2 होंगी, 75 लंबाई होगी, 0.15 मीटर उनकी ऊंचाई होगी, तो 0.225 मीटर स्क्वायर इनका प्लास्टर आ गया। सिमिलरली तीसरी साइड हमारी 50 की है, 2 संख्या में 2 हैं और 0.15 मीटर ऊंचाई है, तो 0.150 आ गया इसका।
सिमिलरली चौथी जो है 0.25 केवल 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, और इसके लंबाई है और चौड़ाई कुछ नहीं है, 0.15 ऊंचाई है, तो ये आ गया 0.075 मीटर स्क्वायर। और साहब अब सबसे जो आखिर में पीछे का पार्ट रह गया बैक पार्ट, ये बैक पार्ट में जब हम प्लास्टर करेंगे वो संख्या में एक है, उसकी लंबाई 1.5 है और उसकी ऊंचाई 0.6 है, लिहाजा हमने जब इसको गुणा किया तो गुणा करने के बाद 0.90 आ गया। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 4.05 आ। तो इस तरीके से इसमें दो कार्य हमें करने पड़े, एक नंबर वन ब्रिक वर्क करना पड़ा और दूसरा प्लास्टर वर्क। तो ब्रिक वर्क भी हमने एक एक करके स्टेप वाइज निकाला, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, प्रत्येक स्टेप में लंबाई समान रहती है जबकि चौड़ाइयाँ हमारी घट रही हैं, पहले की 1 मीटर, दूसरे की 75, तीसरे की 50 और चौथे की 25। तो ये हमने लिख लिया लंबाई, जबकि ऊंचाई समान है तो मल्टीप्लाई करके इनका वॉल्यूम निकाल लिया। सिमिलरली अब हम जब आते हैं प्लास्टर में, तो प्लास्टर में हम देखेंगे 4 ट्रेड हैं इसमें और 4 ही राइजर हैं, समझने का। तो ये बना करके ये स्पेसिमेन टाइप का है, अलग बना करके रखा गया है, लिहाजा इसमें यहाँ पर ट्रेड और राइजर की संख्या समान है क्योंकि ये जीना नहीं बल्कि ये एक स्पेसिमेन बना करके रखा गया। तो 4 इसकी वर्टिकल पार्ट हैं, 1.5 मीटर लंबाई है, चौड़ाई इसकी कुछ नहीं 0.15, तो ये 0.9 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी साइड 2 हैं और 1 मीटर लंबी है, मतलब एक ये वाली साइड 1 मीटर लंबी एक उधर की है, तो 0.15 ऊंचाई आ गया। इसी तरीके से तीसरी साइड हमारी 50 की है और चौथी हमारी 25 की है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए हमने इनका मीटर स्क्वायर में प्लास्टर निकाल दिया। लास्ट में हमारा बचता है बैक पोर्शन, इसके पीछे वाला। तो इसके पीछे वाला पार्ट हम जानते हैं कि 1 है और 1.5 मीटर उसकी भी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि उसकी ऊंचाई हमारी ये 0.6 मीटर है। यहाँ से निकाल लिया हमने जोड़ के 15, 15, 15, 15, तो 0.6, तो ये 0.9 मीटर आ गया। यानी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये यह है 0.6 मीटर। तो ये 0.6 मीटर और ये हमारा, तो ये आगे 0.9, इन सबको हमने सम कर लिया, तो इस तरीके से ये हमारा प्लास्टर वर्क था। तो इस तरीके से ये एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको बताया, और ये स्टेप है और ये एक स्पेसिमेन टाइप का है, लिहाजा हमने आज इसको बताया कि इसमें राइजर और ट्रेड, प्रत्येक स्टेप को अलग अलग करके हमने ब्रिक वर्क निकाल लिया और प्रत्येक स्टेप का हमने प्लास्टर निकाल लिया। इसके ऊपर प्लास्टर टॉप में पूरे में इसलिए नहीं होगा कि जितना पोर्शन हमारा ये वाला ढक लेगा, उसके बाद ये ढकेगा, उसके बाद ये ढकेगा, तो प्रत्येक स्टेप जो हमें मिलेगा ऊपर वाला पोर्शन वो 25 mm का, 25 सेंटीमीटर का मिलेगा। लिहाजा हमने इसमें प्रत्येक में जो ट्रेड लिया या जिसे हम हॉरिजॉन्टल पार्ट कर रहे हैं उसके चौड़ाई, इसकी जो है ये चौड़ाई 25 हमने रखी, जबकि लंबाई समान सबकी समान है, तो चौड़ाई रखते हुए और हमने इनको निकाल लिया चारों को एक साथ, तो ये हमारा ट्रेड आ गया। सिमिलरली राइजर 150 मीटर लंबा है, 0.15 मीटर ऊंचा है, तो हमने इसको गुणा करके इस तरीके से इसका निकाल लिया। उसके बाद साइड में हमारी एक सबसे लंबी साइड 100 मीटर की है, एक ये होगी एक उस तरफ होगी, दो साइडें ये हैं, 75 की दो साइड हैं, 50 की दो साइड हैं, 25 की दो साइड हैं, लिहाजा हमने दो दो करके इस तरीके से इन सबको निकाल लिया। और निकालने के बाद लास्ट में जो बैक पोर्शन हमारा रह गया पीछे वाला उसको हमने निकाला और टोटल को जब हमने सम किया तो ये आ गया 4.05। तो इस तरीके से दोनों आइटम आपके निकल गए, यानी ब्रिक वर्क भी निकल गया और सीमेंट प्लास्टर भी निकल गया। तो इस तरीके से ये इसका एस्टीमेट कम्प्लीट हो गया। बहुत ही कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करेंगे आपको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप दोबारा से करें और समझें और समझने की कोशिश करें। इससे पहले भी मैं अपने स्मॉल ऑब्जेक्ट पर 14 वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरी 15वीं वीडियो है, और इसमें भी मैंने ये स्टेप बनाने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आया है, आ रहा है, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।